नमस्कार दोस्तों, अडानी ग्रुप अब एनडीटीवी का करीब 29% का पार्टनर बन गया है। अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी में 29.18% स्टेक एक्वायर कर लिया है और इसके अलावा इन्होंने 26% और खरीदने का ऑफर भी दिया है। वैसे तो किसी भी कंपनी का खरीदा या बेचा जाना एक आम बात है, लेकिन यहाँ पर शॉकिंग न्यूज़ यह है कि एनडीटीवी को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। एनडीटीवी का कहना है कि हमें खरीद लिया गया और हमें इसके बारे में खबर भी नहीं हुई, ना तो एनडीटीवी में काम करने वाले पत्रकारों को, ना ही एनडीटीवी के मैनेजमेंट को, और एनडीटीवी के फाउंडर पनोर रॉय और अधिकारियों को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। इनका कहना है कि हमसे कुछ भी नहीं पूछा गया और हमारे चैनल को खरीद लिया गया, लेकिन यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, आइए समझते हैं। एनडीटीवी भी बिक गया। बिलियनेयर गौतम अदानी'स मीडिया डिवीजन एक्वायर्ड मोर देन 29% इन न्यूज ब्रॉडकास्टर एनडीटीवी। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे और क्या हो? आपके पास अडानी का जहाज है, पैसा है, ताकत है, सब है, तो आप ही बनाएंगे ना कोई। वैसे तो इस तरह की न्यूज बहुत ही बोरिंग होती है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट की बात यह है कि अडानी ने एनडीटीवी को खरीदा है। अब जिनको इस पॉलिटिक्स के बारे में कोई बात नहीं पता है, उन्हें बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का बहुत ही गहरा संबंध बताया जाता है। गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी के बीच क्या संबंध है, आइए समझते हैं कुछ न्यूज के द्वारा। हाल ही में कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने राज्यसभा में कहा था कि देश में कोयले की कोई शॉर्टेज नहीं है। बावजूद इसके पावर मिनिस्टर ने स्टेट को ऑर्डर दिए कि वे अपनी रिक्वायरमेंट का 10% कोल इंपोर्ट करें। कोल इंडिया लिमिटेड को मेंशन किया गया कि वे कम से कम 8 टन कोयला बाहर से इंपोर्ट करें। सरकारी ऑफिशियल्स ने न्यू इंडिया ऑफिशियल्स को बताया है कि जो कोयला देश के अंदर बनता है उसकी कीमत होती है 1700 से 2000 प्रति टन, लेकिन जब देश के बाहर से कोयला इंपोर्ट किया जाता है तो उसकी कीमत होती है 17,000 से लेकर 20,000 रुपये प्रति टन, यानी लगभग 10 गुना ज़्यादा महंगा पड़ता है वह कोयला जो देश के बाहर से खरीदा जा रहा है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पब्लिक कंपनी एनटीपीसी ने 20 मिलियन टन कोयले को इंपोर्ट करने का ऑर्डर दिया था और इसमें से 17.3 मिलियन टन कोयले का ऑर्डर अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को दिया गया था। इसका मतलब देश में जो कोयला आता है वह अडानी से ही खरीदा जाता है। एक और उदाहरण यह है कि 2022 में श्रीलंका में सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो चेयरमैन थे MMC फर्डिनेंडो ने श्रीलंका की संसद में श्रीलंका के प्रधानमंत्री राजपक्षे को नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया कि श्रीलंका में जो 500 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट बन रहा है वह अडानी ग्रुप को दे दिया जाए। हालांकि जब दूसरे दिन यह खबर जनता के सामने आई तो इस ऑर्डर को वापस ले लिया गया। इसके अलावा साल 2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि देश में 6 एयरपोर्ट को प्राइवेट किया जाएगा। इत्तेफाक की बात यह है कि इन एयरपोर्ट को अडानी ने ही खरीदा था। साल 2014 में कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने यह क्लेम किया था कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने अडानी को गुजरात की जमीन 1 रुपये पर स्क्वायर में बेच दी गई। 2017 में CPM चेयरमैन वृंदा ने क्लेम किया कि BJP गवर्नमेंट ने 72,000 करोड़ का अडानी ग्रुप का लोन माफ कर दिया। 2018 में BJP की नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि अडानी के पास सबसे ज्यादा बैड लोन है। बैड लोन वह होता है जो अभी तक चुकाया नहीं गया है। यानी कि सीधी सीधी बात है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इन पार्टीज को फंडिंग करते हैं और उसके बाद यह पार्टी इन इंडस्ट्रियलिस्ट के लोन माफ कर देती है, टैक्स कट कर देती है, इनके लिए कभी कभी कानूनों को बदल दिया जाता है, बेल आउट दे दिए जाते हैं, बड़े बड़े सरकारी टेंडर दे दिए जाते हैं, माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाते हैं और भी कई तरह से इनको बहुत मदद की जाती है। यानी कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, यह चल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की माने तो RBI ने कहा था कि पिछले 10 सालों में बैंकों ने 11.61 लाख करोड़ के बैड लोन को माफ किया है और इनमें से ज़्यादातर लोन साल 2014 से 2015 के बाद ही दिए गए हैं, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आ चुकी। अब आप सोचेंगे कि यह सारी खबरें हमें कैसे नहीं पता चलती। वह इसलिए क्योंकि आज के समय में मीडिया जो दिखाती है वह हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद दंगे बायकॉट उनसे उसने ये कह दिया इससे ये कह दिया इन सब चीज़ों को दिखाती रहती है और जो काम की खबर होती है वह इन सब के नीचे दब जाती है और ज़्यादातर पब्लिक को इस बारे में कुछ भी पता नहीं। I can't shout over you. I'll tell you why. आपने हिम्मत कैसे की ऐसे? सवाल पूछ रही हूँ। I'm not yelling at you. I'm talking about Mr. McAdams. ऑडियो बंद करिए इनका। थोड़ी मर्यादा रखिए। इन खबरों को ढूंढने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये सारी खबरें भी अखबार में ही छपती हैं, लेकिन इन खबरों को अखबार के किसी चौथे या पांचवें पन्ने पर एक कोने में छोटा सा छापा जाता है। और कितने लोग हैं जो अखबार को इतना डिटेल में पढ़ते हैं? ज्यादातर लोग न्यूज के लिए टीवी देखते हैं और टीवी पर मीडिया हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ही करती रहती है और पब्लिक का ध्यान इन सबसे हटाकर रखती है। इस पूरे सिनेरियो में NDTV एक काफी अलग चैनल है, इसलिए नहीं कि वह हमेशा सरकार के खिलाफ बोलता है, बल्कि आप बाकी चैनल्स को देखिए उन पर क्या
दिखाया जाता है दूसरे चैनल्स पर जहां हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की खबरें चलती रहती हैं, वहीं एनडीटीवी पर अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेशन की बात चलती रहती है। आप पिछले 3-4 महीनों की रवीश कुमार की वीडियो सर्च करके देखो और फिर उसे कंपेयर करो अदर्स चैनल के साथ कि उनमें क्या बातें होती हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री ने कुछ समय पहले एक कमाल का डाटा तैयार किया था, इसी खबर पर उन्होंने सारे न्यूज़ चैनल्स के डाटा कलेक्ट किए और सभी को एक साथ कंपेयर किया। सुधीर चौधरी के डीएनए में 73 में से 28 में कम्युनल इशू की बात की गई थी। टाइम्स नाउ में 68 में से 29 में कम्युनल इशू की बात की गई। रिपब्लिक भारत में 96 में से 45 पर सिर्फ कम्युनल इशू की बात की गई। न्यूज़ इंडिया 18 में 68 में से 43 पर सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात की गई और आज तक पर 88 में से 45 सिर्फ हिंदू मुसलमान। अर्णब गोस्वामी के रिपब्लिक भारत में 182 में से 60 में हिंदू मुस्लिम की बात की गई। और इन सबसे हटकर होता है रविश कुमार का शो, जिसमें 77 में से सिर्फ 23 में एपिसोड में ही जिनमें हिंदू मुसलमान की बात की गई थी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि जब रविश कुमार अपने शो में हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो इस तरह से नहीं करते कि हिंदू मुस्लिम के बीच दुश्मनी भड़क सके। इनका शो देखने के बाद उसका नतीजा क्या होता है यह आप खुद ही देख सकते हो। इनके शो को देखने के बाद हिंदू मुस्लिम के बीच कोई नफरत नहीं आती है और बाकी चैनल्स पर जब हिंदू मुसलमान की बात नहीं होती है तो होती है अपोजिशन के खिलाफ। हालांकि मीडिया का काम सरकार से सवाल करने का है, लेकिन यह मीडिया आजकल अपोजिशन से ही सवाल करती रहती है। एनडीटीवी इकलौता ऐसा चैनल था जो ऐसा नहीं करता था और यही कारण है कि जब प्रेस फ्रीडम की रिपोर्ट आई तो उसमें भारत की पोजीशन 150 थी, जो कि 180 देशों में से थी, यानी कि भारत के बाद 149 देश ऐसे हैं जहां पर मीडिया की हालत भारत से अच्छी है। साल 2014 में CID और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चैनल के पीछे लगे हुए थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। साल 2017 में CBI ने NDTV के फाउंडर पनोर रॉय और राधिका रॉय पर रेड की, यानी कि बार बार NDTV और रविश कुमार को हरेस किया गया है। वे भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वे सरकार की बात नहीं मान रहे थे और अपना पत्रकार का काम ठीक से कर रहे थे। साल 2019 में रविश कुमार से पूछा गया कि क्या होगा अगर सरकार आपके द्वारा बनाए गए चैनल को बैन कर दे, और उस समय रविश कुमार ने जो जवाब दिया था वह आप सुनिए। खड़ा होकर न्यूज पढ़ देंगे सड़क पे, क्या है? मैंने कहा कहीं संविधान में लिखा है कि पत्रकार न्यूज पढ़ेगा तो स्टूडियो में ही पढ़ेगा? कहीं पढ़ देगा, पार्क में पढ़ देगा, गाड़ी में पढ़ देगा, नहीं होगा तो बाथरूम बंद करके जैसे गाते हैं वैसे न्यूज पढ़ देंगे, इसमें क्या? जब NDTV के फाउंडर पनोर रॉय और राधिका रॉय नहीं चाहते थे कि NDTV को बेचा जाए तो कैसे अडानी ने उसे खरीद लिया। इस सब के पीछे एक प्राइवेट कंपनी वॉइस ऑफ प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड है, यानी कि VCPL। यह कोई ज्यादा जानी मानी कंपनी नहीं है, इसे साल 2008 में शुरू किया गया था और 2009 में राधिका रॉय पनोर रॉय ने इससे 403 करोड़ का लोन लिया था। यह लोन इन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि इनकी एक कंपनी RRPR के लिए लिया था और यह कंपनी NDTV के 29.18% शेयर होल्डर थे। यह लोन इंटरेस्ट फ्री था, लेकिन इन्होंने एक वारंट इशू किया था जिसमें यह कहा गया था कि यह कंपनी जब भी चाहे अपने 99% शेयर होल्ड रख सकती है, यानी कि इस कंपनी ने खुद को गिरवी रख के लोन लिया था। अब खबर निकल कर आ रही है कि अडानी ने VPCL कंपनी को खरीद लिया है। अब VPCL के पास RRPR के 29.18% शेयर थे जो कि NDTV के ही थे। इस तरह से अडानी ने NDTV को ना चाहते हुए भी उसे खरीद लिया है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।